सबसे पहले हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सजान जी के साथ। आज ही के दिन हम लोग मसूरी गए थे। हाँ, बिल्कुल। तो जहाँ पे हमने बहुत मजे किए, आप लोगों ने उम्मीद है कि ब्लॉग देख लिया होगा। और हम भाभी जी के घर पे रुके थे, तो हम लोग अब जा रहे हैं कहाँ? मॉल में जा रहे हैं। तो मॉल में जा रहे हैं, तो हम लोगों का प्लान पहले से ही था। तो भाभी जी थोड़ा सा तैयार हो रही हैं, और भाभी जी से तो आप लोग मिल चुके थे, लेकिन यहाँ पे केविन है। हेलो, ठीक है केविन? तो केविन की एकेडमी है यहाँ पे, क्रिकेट खेलता है हमारा छोटा सा भतीजा है ना, तो उसका सामान यहाँ पे रखा हुआ है। केविन बताओ क्या क्या है तुम्हारे पास? तो ये इतना बड़ा बैग केविन का है, वो फ्यूचर में क्रिकेट की तैयारी कर रहा है। तो केविन बताओ अपने क्रिकेट के बारे में कुछ। क्या एकेडमी कौन सी है तुम्हारी? अभिमन्यु। अच्छा, तो अभिमन्यु एकेडमी। और तो यहाँ पे तुम्हारा सारा सामान है इस बैग। तो क्रिकेट का जो भी सामान होता है वो केविन के पास है ना? हाँ। सारी चीजें। और बहुत जल्दी हमारे इंडिया के लिए केविन खेलेगा, तो उसके लिए आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग दुआ करेंगे छोटे से भतीजे के लिए। तो यहाँ पे सारी बातचीत चल रही है कि शादीशुदा लेडीज जो होती है उसके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम लोग तैयार हो गए हैं, मतलब केवल खुद को तैयार करना होता है, लेकिन जो शादीशुदा होते हैं उनको बच्चे को भी देखना होता है, पति को भी देखना होता है, बड़ी चुनौती है। तभी मेरे हस्बैंड बोल रहे मेरे कपड़े का है, तब तक बेटा बोल रहा है कि मेरे शूज का है, तब मैंने सुबह की तैयारी के लिए चने भी भिगा के रखे हैं, ऐसा होता है। अब मेहमान भी आ रखे हैं, मेहमानों को भी देखना पड़ रहा है बीच बीच में, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और हम लोग देखो सिंगल लोग खुद को निहार रहे हैं बस तैयार करके। छोटे बंद अब हमें कोई टोकने वाला नहीं होना चाहिए। नहीं, कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, वीडियो बनाने के लिए मना ना करे, नहीं तो कौन करेगा यार, मना कोई करेगा भी तो। यहाँ पे ना लाइट पूरी है, मजेदार। कोई मना करेगा तो मैं उसको ढंग से बताती हूँ। तीन तीन ब्लॉगर साथ साथ में है। मुझे ये वाला सेक्शन अच्छा नहीं लगता है, ऊपर वाले में चलो। आ, आ, आ। वैसे मुझे फूड सेक्शन सबसे अच्छा लगता है, वो सबसे ज्यादा ऊपर है। ए, सबसे अच्छा सेक्शन लगता है फूड सेक्शन, खाना। फूड सेक्शन क्योंकि सुन तो ये वो बोल रहे, ये कैमरा है ना, कैमरा यूज मत करना। ये कह रही मेरी एक महीने की पेमेंट दे दो, मैं यूज नहीं करूंगी। हम तो चाहते भी नहीं है यूज करना, वही तो पर क्या करें, ये पावी पेट यूज करने के लिए मजबूर करता है। सही बात है ना, कोई भी पावी पेट के लिए ही करता है। मैंने ऐसी जगहों पे लोगों की फोटोज देखी हैं, जब मैं खुद जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ अच्छा वो इस जगह की फोटोज होती है, ज्यादातर लोगों ने इस जगह पे फोटो खिंचाई होती है। हमारा तो भारत देश है ही ऐसा कि मतलब एक दूसरे की नकल करनी है, मतलब कोई भी चीज अगर कोई एक आदमी करता है तो वो ट्रेंडिंग में चली जाती है कि हमें भी करना है। तो केविन बेटा हमारी फोटो खींचेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। फोटोग्राफर हमारा आज का फोटोग्राफर, वही तो हम साथ में रखते ही रखते हैं किसी को, वही तो शीशा मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे ये शीशे में मेरे को मेरे साथ केविन को भी देख लो आप, देखो ये है मेरा भतीजा मेरे साथ क्रिकेटर। कल फोटो ले लेती मैं आज केविन के साथ, कल को बड़ा क्रिकेटर बन गया ना, तो क्या पता हाथ ना आए है ना। आज ही फोटो ले लो केविन के साथ, क्यों नहीं है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी कारीगरी की गई है कि एक पौधा है जिसपे की देहरादून की कोई खास खास चीजों का जो कि पनप रही है इस पेड़ पे, इस तरह से वर्णन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे कोई खास खास लोग हैं, श्री डी के सिंह है, डायरेक्टर DTC इंडिया लिमिटेड के। यहाँ पे श्री उपेंद्र अरोड़ा है, ये कुछ नटराज बुक सेलर एंड पब्लिशर है, तो इनके बारे में कुछ बातें कही गई है। वैसे मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन वो होंगे कोई महान विभूति। उसी तरह यहाँ पे क्लॉक टावर यानी घंटाघर का जिक्र किया गया है, यानी उसके फोटो लगाई गई है। इसी तरह यहाँ देहरादून की खास बुद्धा टेम्पल, जो FRI है, IMA अकेडमी है, इन सब का वर्णन यहाँ पे किया गया है, यानी फोटो के साथ यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। थोड़े से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है, मतलब जैसे हमारा तो फोन है तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेकिन मैडम साहिबा कहाँ गई? मैडम साहिबा के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि कोई बात नहीं, जो कुछ भी हम मॉल में एंजॉय करेंगे वो इसके वीडियो में आप देख लेना। वही तो GoPro के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो कैमरा है ना। मेरे ब्लॉग में भी देखना, मैं लुका छुपी करके कैसे ब्लॉग कैसे बना। वही तो लुका छुपी बहुत हुई, बना वाला सामान तो कुछ निकाले घुमाना है तुम। इस वाले सेक्शन में मैं आ तो रखी हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे एक कपड़ा यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ पे कैसे फूलदार कपड़े रखे हुए। वैसे मैं किसी एक आदमी को जानती हूँ जिसको फूलदार कपड़े पसंद है। मैं बताऊँ किसके हैं? जेठालाल।
जेठालाल के लिए कपड़े है यहाँ पे। सुन ये सुन, पोपटलाल की कमीज देख, पोपटलाल ऐसी कपड़े पहनता है ये देखो, पोपटलाल ये देखो लाइनर्स नहीं पहनता है। मोनिका पोपटलाल के पास तेरी वीडियो चली जाएगी ना, मोनिका की पोपटलाल। ओह पोपटलाल मुझे मेरी वीडियो देखना टाइम बनाना थोड़ा गवारों को अलाउड नहीं है यहाँ पे आने। देख रहे हैं जो भी, जहाँ भी हम जा रहे हैं ना सब हमको ही देख रहे हैं। कल सामान लौट तो मैं आया नहीं, मैं आखिरी आया क्या था तेरे बोले बोले यूं चक्कर में खाए सब बेकन पर नहीं आया। एक बॉयज सेक्शन में चलो चलो, थोड़े लड़कों के कपड़ों का मजाक बनाते हैं। चलो ये लड़के के ही कपड़े, ये चीज यहाँ पे बढ़िया है कि चारों तरफ आपको शीशे ही शीशे देखने को मिल रहे हैं, और मुझे तो शीशा ही चाहिए। मुझे शीशे की वीडियो बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि शीशे में ही वीडियो बनाते जाओ। तू हिट ए और चुपा कैमरा चुपा, नहीं आई नहीं आई वही तो दीदी, यार कोई बात नहीं, तब देख 5000 दीदी आराम से बने ली वीडियो। देखो मेरे को भी ऐसे डर लग रहा है कैमरा खोने में, जैसे कोई बोल रहा है कि अब अभी मना करेंगे कि मत बनाओ। ओ बच्चा कहीं माँ की तरह, मैं अपने हिसाब से ले लेती हूँ ना, अपने अकॉर्डिंग बच्चा मोटा मोटा। पहले इसकी तबीयत खराब हो रही थी, इसकी तबीयत खराब हो रही थी, बोल रही थी मैं नहीं आती, इसने कहा नहीं नहीं जाना है, व्लॉग तो बनाना ही है। फाइनल कर दो कितना क्या, 5000 नहीं रे 540 नहीं पैसा तो चाहिए नहीं, तुम पर लोगों को दिखाना पर्स दौड़ दिया लोगों तो इंदा बोल जाओ छे छे कुछ ना कुछ। वैसे भी पैसे तो हम लोगों के पास होते नहीं है, पर लोगों को पूरा पूरा शक होता है कि हम लोगों के पास पूरा पैसा है और हम खूब कमा रहे हैं। थोड़ा लोगों को दिखाने के लिए पर्स तो लेना ही चाहिए, बड़ा बड़ा बड़ो बोल लिया, भले क्रीज मिल जाए ना वो फोन नहीं, ये सब बड़ो यार इससे ज्यादा बड़ो लिया बड़ो चुपार। तो फिलहाल हम लोग हैं पीवीआर सेक्शन में, यहाँ पे मूवीज वगैरह देखी जाती है। तो आज मूवी लगी हुई है ब्लैक पैंथर वाकंडा फॉरएवर, अरे हॉलीवुड मूवी है ब्लैक पैंथर वाकंडा फॉरएवर। तो यहीं पे वो गार्ड है जिन्होंने मोनिका को मना किया, और ये देखो चुपके से दिखा रही है उनको अपने कैमरे में, और हर वक्त इसको चिंता हो रही है कि कहीं वो मेरे को तो नहीं देख रही है छुप छुप के। एक बार ये उनको क्लियर कर रही है कि ये देख तो नहीं रहे। तो केविन कह रहा है कि मैं परसों आया था, जब तक मम्मी लोग सामान ले रहे थे वो यहाँ पे कहानी पढ़ रहा था, तो उसने ये कहानी आधी छोड़ी हुई थी ना यहाँ तक, मंकी बग पढ़ो पढ़ो। और जो भी चीजें यहाँ पे हैं उनका रेट थोड़ा हाई है, मतलब उस लेवल की चीजें भी है। 600 रुपए का है ये पौधा पौधा बस क्या करने को डाल कोले को डालू, यार एक गाना नहीं था हे कुले को डालू ये क्या जो भी बोलो छंचरी अच्छा। और यहाँ पे कितना रुपए का है ये देखते हैं पहले, 5900 600 रुपए में कितनी, 600 रुपए में कितनी, ले लो मैडम ले लो ले लो, छाटो छाटो घर जाके बांटो, छह सौ रुपए था मुझे घर तो नोट जो 10 रुपए के थाली से ही हो जाता काम, वही तो 10 रुपए बिना रहे बोलती ना। तो यहाँ पे सब लोग आ रखे हैं और इतने सारे लोग सामान ले रहे हैं कि हम लोग हर सेक्शन में देख रहे हैं कि सब लोग खड़े हैं और केवल यहाँ पे हमारा शोर हो रहा है, और जितने भी लोग गुजर रहे हैं तो कह रहे हैं बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल, हाँ कि यू नो ऑकवर्ड लगता है, और हम धरना ऑकवर्ड लग तो नाम तो शराब मानी सुन ये कैच है कैंडिड कौन हमारे उधर ले जाए तब धर द कैंडिड हम तो पता ही नहीं लियोन का के जो कुछ हाल तो कर जाए भाई। तो हम तो गाली तब भी खा जाते हैं जैसे लाइट चले गई ना, अब वो कैंडल जल रही है बंद कर रहता था जैसे लाइट आई, अब फिर लाइट चलेगी दोबारा, तो 200 का है
ले सकते हो आप, बाजार में भी दोनों के पास तो इतना सारे पैसे हैं, ले सकते हैं मात्र 200 हमारे पास पैसे, आपके पास रुपए हैं। ये बात तो ठीक बोली, सुनो तो तुम भी आराम से ले सकते हैं, ये 200 से लेंगे तो जितनी बार कोई बोलता है तुम्हारे पास, वो जितनी जब बार कोई बोलता है ना खूब पैसे कमा रहे हो, कितने पैसे तुम्हारे पास, मुझे ऐसा उस पर दया आती है, मुझे लगता है कितने अनजान है ये लोग। ले ले वरी हूं मैं ले रहा हूं। करा रहा है केले के पत्ते की तरह, यहाँ पे बढ़िया सी प्लेट है एकदम, ऐसे लगेगा केले के पत्ते में। और ऐसे ना ऐसे होटल में रहते हैं ज्यादातर है ना, गाइस ये देखे होंगे जिसमें आप कभी चाउमीन मैगी वगैरह आती है बाल्टी, इस पे ना ज्यादातर कढ़ाई पनीर या फिर पनीर आती है, हाँ ऐसी चीजें आती है। कुछ रुपये जो देखा बजा 139 तो नहीं बोलो बैंक का सस्तु प्लास्टिक नहीं, ठीक है ठीक है, पता क्या सुन इन पे रेट लिखा हुआ है इस पे 130 वैसे इसके ज्यादा रेट नहीं है ना, 259 है इसका, हाँ तो ये जरा वो है, हाँ वैसे ये वाले देखो इसका क्या है 49 रुपए है बस यार, ये करने के 49 50 रुपए फिर भी यार क्वालिटी है उसकी, अगर केवल खाना पड़े टपो बना आज रात हमने खाने च प्लीज हैंडल विद केयर इफ ब्रोकन यू हैव टू पे, सबसे ऐसी चीज तो हमने देखी यहाँ पे, प्लीज हैंडल विद केयर इफ ब्रोकन यू हैव टू पे, तो यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे और हम लोग ऐसे पकड़ रहे हैं उनको, क्या करें हम लोग इतनी जबरदस्ती से पकड़ रहे हैं ऐसे, अगर गिर गया तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा मुझे ना पैसे मॉल का ये ट्रे लगाइए, मजा तो दोस्तों हम लोग इतने भी वो नहीं है क्योंकि आप लोग हमारे लिए रिश्ते भेजते रहते ना, तो लोगों ने बोल दिया होगा कि यार नहीं 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 कैंसिल करो इनको, हम इतने भी नहीं है, वो बस कॉमेडी चलती रहती है हमारी, मतलब फुल कॉमेडी हो रही है यहाँ पे, मजा आ रहा है हर चीज नहीं, यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो मेरे को पता नहीं है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि जितना हम वो बता रहे हैं आपको। देखिए मोनिका को जिसने मना किया, ये दोनों बिल्कुल लाइन से आगे, वो उधर है ये यहाँ है, इन दोनों का कॉम्पिटिशन हो रहा है। और फाइनली बहुत जगह हम लोग घूम चुके हैं, और पहले ही बता दे रही हूँ कोई भी चीज़ प्रमोशन नहीं है, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर लगता है कि हम लोग कोई भी चीज़ दिखा रहे होते हैं कि ये देखो ये चीज़ वो चीज़, हम लोग तो वैसे ही घूम रहे होते हैं और वैसे ही दिखा देते हैं, पर इसका ये पेड प्रमोशन नहीं है या फिर किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं है, बस हमने ऐसे ही दिखा दिया है। ये देखिए भाभी किस तरह से बात कर रही, करो करो लो बना लो, कि बंदूक तानी है, भाभी कह रही है कि जाओ लैक्मे के सेक्शन में जाओ, वहाँ पे लैक्मे का सामान मिलता है। मैंने कहा नहीं नहीं हम पहले तो हम नेचुरल ब्यूटी है, उसके बाद हम लोगों को लैक्मे के प्रोडक्ट किससे मिलते हैं, प्रमोशन में आएगा यार हम लोगों के पास, ये कह रही है कि नहीं यार हम नहीं ले पाएंगे। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास प्रमोशन आएंगे, हम लेते नहीं है हम बेचते हैं, हम लेते नहीं है हम बेचते हैं। जी जो बड़ी महंगी ड्रेस में खड़े हो रखे यार, देखो ये देखो प्रमोशन, हाँ हाँ ये देखो ऑलरेडी बेटा खड़ा है यार साथ में, सुन ये जो नाक में कुछ नहीं था तोड़ दो लोड भी खड़ो भाई, वही तो ये बालक है क्लास में पढ़ रहा बेटा, पापा को बोलो ढंग से रहना ठीक है। एक चीज देख के मुझे ये हो रहा है कि कदम कदम पे शहरों में मॉल होते हैं, हर जगह इतनी सारी फैसिलिटी, लोगों के लिए कितना बेहतर सब कुछ है, मतलब इतनी लाइटें लगी हुई है यहाँ बेकार, मतलब अनावश्यक सी भी कभी कभी लगता है कि यार कि ये अनावश्यक लाइट है, और एक हमारे घर गाँव में चार चार दिन तक लाइट जा रखी है तो जा रखी है, कोई पूछने वाला नहीं है, जबकि कष्ट हम लोग सहन कर रहे होते हैं पहाड़ों के लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं, लाइट के लिए पूरा हमारा टिहरी डूब गया, कितना नुकसान है पूरा,
सारा सिस्टम बिगड़ गया वहाँ पे, होता है ना, मतलब इतना बड़ा टिहरी डैम बना हुआ है उसका, उसकी वजह से मौसम पे असर पड़ता है, कई चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें हैं, मतलब पहाड़ों के लोग सहन कर रहे होते हैं और मज़े ले रहे हैं शहरों वाले की, मतलब कोई लाइट जाने का कोई मतलब नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं कि लाइट चली जाएगी। यहाँ पे 0% चार्ज भी रहता है ना, तो ऐसा होता है कि लाइट थोड़ी जाएगी यार, कभी भी कर लेंगे, और वहाँ पे ऐसी चिंता रहती है कि लाइट चली जाएगी, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कब आएगी। तो कष्ट हमारे घर गाँव के हम लोग सहन कर रहे होते हैं और मज़े ले रहे हैं, यहाँ पे शहरों के लोग देखो कोई चिंता नहीं, मज़े से अनावश्यक इतनी लाइटें वेस्ट कर रखी हैं, क्या बताएं। मैं जितनी जगह जा रही होती हूँ, जितनी जगह सुविधाएं देख रही होती हूँ, तो मुझे बड़ा दुख सा होता है हमारे पहाड़ों के लिए। भगवान करेगा कभी मैं कुछ बन गई या फिर कुछ हो गया तो मैं ज़रूर एक्शन लूँगी भगवान चंडिका की कृपा से, अगर मुझे कुछ हो गया। जैसे मैं यहाँ मॉल में आ रखी हूँ तो मैं लोगों के लिए सुविधाएँ देख रही हूँ कि 2 कदम पैदल चलने के लिए नहीं है यहाँ पर कोई भी, मतलब हर तरह की व्यवस्थाएँ हैं, सब चीज़ है मतलब लोगों के लिए। और हमारे पहाड़ों में चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा है, तो कष्ट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, जितनी भी सुविधाओं का आनंद मैं लेती हूँ, मैं समझती हूँ कि यार वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन कुछ चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, ऐसे ही हैं हमारे पहाड़ों के नेता, हमारे पहाड़ों के लोग की अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते, कोई बेहतर नहीं चुन सकते, कुछ कर नहीं सकते, पता नहीं वो भी क्या करेंगे लोग भी ना, मतलब क्या ही कोई कर सकता है। जनता से वादा किया जाता है कि आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब जनता की क्या गलती है कि वो उनके वादों पर खड़े नहीं उतरते हैं, नहीं करते हैं जनता के लिए कुछ, तो बड़े दुख की बात होती है। जितनी बार मैं बहुत सारी सुविधाओं को देखती हूँ तो मुझे कदम कदम पर इस तरह का दुख होता है कि यार हमारे पहाड़ों के लोग ऐसी सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसी सुविधाएं ना भी हो लेकिन नॉर्मल कैजुअल सुविधाओं से भी वंचित हैं, तो बहुत बुरा लगता है कई बार। पैसिफिक से तो हम लोग बाहर आ गए हैं और अब हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे, क्योंकि मौसम तो ठंडा हो ही रखा है और हम लोग उस हिसाब से तैयार रहे हैं कि पैसिफिक में तो अच्छा ही मौसम रहेगा, लेकिन बाहर आने के बाद थोड़ी सी ठंडी हवा चलने लग गई है तो यहाँ पे बड़ी ऐसी चाय मिलेगी हमें। और आज हम लोग बाहर खाना खाने वाले हैं, तो अब खाना खाने का टाइम हो चुका है, हम सब लोग तैयार हो चुके हैं खाना खाने के लिए। भाभी जी खाओ खाओ आराम से खाओ, कोई कष्ट दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं हो रही है।